हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार। आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। यीशु ने कहा, एक बार मरना फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अभी भी पाप कर रहे हो, अंत के दिनों में पाप कर रहे हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो छोड़ दो और बंद कर दो और परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरना परमेश्वर को नष्ट करके रख देगा। लुका की पुस्तक 25 अध्याय के 29-30 वचन में लिखा हुआ है। पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? 7 साल महाभारी क्लेश काल का, 3.5 साल महाकलेश काल के, जिनमें वे लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे जो गर्भ और जो स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, टीलों से कि हमें ढांप लो। इतना भयानक खौफनाक मंजर होगा मसीह विरोधी के दिन में। ये कलिसिया उठा लेने के बाद जो मनुष्य यहाँ पर रह जाएंगे वे लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरो और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो। मगर उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा। इसलिए अभी मौका है, समझ जाओ, लौट आओ यीशु के पास। जैसे निर्मिया 16 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? निर्मिया भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको कोई मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। निर्मिया 15 अध्याय के 1 वचन से लेकर हम 3 वचन तक पढ़ देते बाइबल से प्रूफ। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, किससे कहा? यिर्मयाह से कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इन लोगों को मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। और यदि वे तुझसे पूछें कि हम कहाँ निकल जाएं, तो उनसे कहना कि यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो आकाल से मरने वाले हैं वे आकाल से मरने को, और जो बंधुए में होने वाले हैं वे बंधुए में चले जाएं। मैं इनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने वाले मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। जरा सोचो, अगर आपने शादी कर ली और अगर आपके बच्चों ने इस पे विश्वास नहीं किया, अगर वे मसीह विरोधी के दिन में फंस गए, पड़ गए, तो ऐसा ही हाल होगा। खाद के समान लोथे पड़ी रहेंगी, वे तलवार से मारे जाएंगे, उनकी लोथे मैदान के वन पशुओं का आहार होंगी। वन पशु उनको नोच फाड़ नोच कर खाएंगे, जिंदा ही नोचना फाड़ना शुरू कर देंगे। इतना हाहाकार मचा होगा मसीह विरोधी के दिन में। जैसे निर्मिया 9 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है, तू का यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद के ऊपर पुलिया काटने के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनको कोई उठाने वाला ना होगा। आपने देखा ही होगा, जब रबी की फसल काटी जाती है तो बालियां टूट टूट कर पीछे गिरती हैं और उनको कोई नहीं उठाता, वे ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और वैसे ही मसीह विरोधी के दिन में मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी, और उनको कोई मिट्टी नहीं देगा, और वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगे, इनको कोई नहीं उठाएगा, कोई मिट्टी ना देगा, वे खाद के समान पड़ी रहेंगे इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में। इतना खौफनाक मंजर होगा मेरे भाइयों और बहनों। जब चौथी मोहर खोली जाएगी तब ये सब होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 6:7-8 वचन में लिखा हुआ है, वीडियो को ध्यान से देख लेना भैया। और जब उसने चौथी मोहर खोली, किसने खोली? यीशु मसीह ने खोली। यूहन्ना ने देख रहा है दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा। तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना, क्या कहते सुना? कि आ। और मैंने दृष्टि की ओर देखो, पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और ने पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा मसीह विरोधी के दिन में, जब परमेश्वर चौथी मोहर खोलेगा तब ये सब होगा। उसे यह उस चौथे प्राणी को यह अधिकार दिया जाएगा कि लोगों को, पृथ्वी के लोगों को मार डाले, तलवार से मार डाले, वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वन पशु मनुष्यों को जिंदा ही फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। अकाल और भूखमरी प्यास के मारे मनुष्य मर जाएंगे। इसलिए भी समय है पश्चाताप करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए यीशु के पास लौट आओ, वरना यही हस्ती आपको दिन यही डुबा के रख देगी। पहले तो यही तड़पाया जाएगा 7 साल के लिए, फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वच्छ सिंहासन के सामने, तब उसको वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको हमेशा हमेशा के लिए, परमेश्वर उसको नर्क में फेंक देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है और कीड़े कभी नहीं मरते हैं। इतना तड़पाएगा परमेश्वर अभी अनंत काल के लिए।
इसलिए पश्चाताप करते हुए गिड़गिड़ाते हुए यीशु के पास लौटो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नाश करना नहीं चाहता है, नरक में डालना नहीं चाहता है। अभी समय, अभी पश्चाताप कर लो, वरना यही हस्ती आपको एक दिन नरक में लेके चली जाएगी। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास। आपके एक शेयर से क्या पता कितनी आत्माएं बच सकती हैं, इसलिए वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है भाई, आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।